हेडलाइन पर सर्जिकल स्ट्राइक दो, भारत के जवाबी कार्रवाई से डरे पाकिस्तानी कलाकार। परेश रावल ने पाक एक्टर अली गफर को किया स्पीचलेस। आईएफ एयर स्ट्राइक, बॉलीवुड ने पीएम नरेंद्र मोदी से की अपील, पाक कलाकार को वीजा न देने की मांग। अब खबरें विस्तार से। सर्जिकल स्ट्राइक दो, भारत की जवाबी कार्रवाई से डरे पाकिस्तानी कलाकार। मायरा खान से लेकर दो बावरा भुड़े ने शांति की बात कही। सीआरपीएफ पुलवामा में जवानों पर हुए आतंकी हमले का बदला लेते हुए 26 जनवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी के संगठन जैश ए मोहम्मद और उनके बेस कैंप को तबाह कर दिया। इस हमले में कई आतंकी मारे भी गए। भारत ने इस कार्रवाई के बाद यह जश्न का माहौल बना हुआ है। इसमें कोई कार्रवाई से पाकिस्तानी सरकार के बाद पाक कलाकार काफी डरा हुआ नजर आ रहा है। वही कलाकारों ने दोनों देशों में शांति की कामना की है। परेश रावल ने पाक एक्टर अली जफर को किया स्पीचलेस पर सवाल उठाने वालों पर भी साधा निशाना। सर्जिकल स्ट्राइक दो पर पुलवामा में हुआ सीआरपीएफ के जवानों पर हमलों का बदला। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कैंप को तबाह कर दिया। भारत में यह नजारा बड़े जश्न से मनाया जा रहा है। तभी बॉलीवुड एक्टर और बीजेपी सांसद परेश रावल का भारतीय वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक पर रिएक्शन सामना आया है। परेश रावल ने एक तरफ से जहां देश के पीएम मोदी और वायुसेना के जज्बे को सलाम किया, तो वहीं पाकिस्तानी कलाकार सिंगर अली जफर के एक ट्वीट का करारा जवाब दिया है। आईएफ एयर स्ट्राइक बॉलीवुड ने पीएम मोदी से की अपील, पाक कलाकार को वीजा न देने की मांग। पाकिस्तान के प्रति हर देशवासी के मन में गुस्सा भरा हुआ था। हर कोई यही चाहता था कि अब भारत सरकार पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दे। बॉलीवुड और टीवी कलाकार ने 14 फरवरी को हुए सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, जिन्हों मारे जाने के बाद उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने को बॉलीवुड ने सर्जिकल स्ट्राइक मुंह तोड़ जवाब दिया है। तभी बॉलीवुड ने इस सर्जिकल स्ट्राइक 2 का बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया है। इसी बीच ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने पीएम मोदी से पाकिस्तानी एक्टर को वीजा न देने की अपील की है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना।